हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहां पे आप जो है कि IDFC फर्स्ट बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो। इंस्टेंट आपको अकाउंट नंबर मिल जाएंगे बिना वीडियो KYC और बिना फंडिंग के। सो किस तरह से ओपन करना है, क्या इसका प्रोसेस है, पूरी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि ये जो नॉलेज है वो लोगों को भी मिल पाए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिरजू कुमार, आप देख रहे हैं टेक हिंदी विद बिरजू। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल या फिर PC लैपटॉप जो भी यूज़ करते हो, यहाँ पे आपको गूगल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और गूगल में टाइप करना है IDFC बैंक, देन आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे IDFC फर्स्ट बैंक, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.idfcfirstbank.com। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके वेबसाइट पर आ सकते हो। एंड अभी आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पे जीरो चार्ज ऑन RTGS, और यहाँ पे आप जो है कि बिना ब्रांच जाए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एक नो मोर का ऑप्शन दिख रहा है। उसी के नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट, तो ये भी चाहो तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। उसी के नीचे यहाँ पे सेविंग अकाउंट दिख जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला भी ओपन कर सकते हो, और फिर करेंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला ओपन करना चाहता हूँ, यहाँ पे सेविंग अकाउंट। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको ये दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ इसे लोडिंग होने का। देन उसके बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इन्जॉय ज़ीरो फी बैंकिंग ऑन योर सेविंग अकाउंट। यहाँ पे आपको IMPS, NEFT, RTGS का फैसिलिटी दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ATM ट्रांजेक्शन डेबिट कार्ड देखने को मिल जाते हैं, SMS अलर्ट का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में आपको इसमें वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा, जो कि आपको इसका मोबाइल बैंकिंग ऐप में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, देन डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी इंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर इंटर करना है, देन यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर 12 डिजिट का इंटर कर देना है। तो यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर, और यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल बताया वो सभी को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इसे पहले फटाफट यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। सो तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे पैन नंबर, और यहाँ पे आधार नंबर, सारा डिटेल को फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा, और आपको यहाँ पे नीचे में जो है कि ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएंगे ऑक्यूपेशन फिल करने का। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सारा डिटेल को फिल कर दिया है। फिल करने के बाद आप यहाँ पे गेट OTP पर आप क्लिक कर सकते हो। देन यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएंगे OTP सेंट योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड। तो मेरे मोबाइल नंबर पे OTP कोड आ चुका है, तो मैं यहाँ पे अपना OTP कोड इंटर कर देता हूँ। अगर आपको OTP कोड नहीं मिलती है तो यहाँ पे रिसेंट OTP पे क्लिक करके आप अपने OTP कोड को दोबारा से मंगा सकते हो। चलिए मैं अपना OTP कोड यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना OTP कोड इंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे वेरीफाई आधार, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लोडिंग लेना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ इसे लोडिंग होने का। यहाँ पे आपका जो भी डिटेल है प्लीज़ वेट
वाइल वी आर फेचिंग योर आधार डाटा, तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड वाला जो भी डिटेल है ये ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो रिव्यू योर कम्युनिकेशन एड्रेस, तो यहाँ पे आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहाँ से इसे टिक मार्क रहने दें, यदि सेम नहीं है तो टिक मार्क हटा के आप उस वाले एड्रेस को यहाँ पर नीचे में जो है कि फिल कर सकते हो। यहाँ पर तो नीचे में आप यहाँ पे एरिया पिन कोड सिटी एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 वगैरह फिल कर सकते हो, और यदि आपका सेम है तो यहाँ पे ऊपर में आपको इस वाले बॉक्स में जो है कि टिक मार्क कर देनी है। इससे ये होगा कि आपका जो एड्रेस वाला बॉक्स है यहाँ पे फिल हो जाएंगे, यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे प्लीज़ इंटर योर प्रोफेशनल एज पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हो तो यहाँ से क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप जो भी हो सैलरीड हो या फिर जो भी हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो होम मेकर हो स्टूडेंट हो, आप जो भी हो अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सैलरीड ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सोर्स ऑफ इनकम, तो आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे या फिर सॉरी यहाँ पे सैलरी मिलती है या फिर फैमिली वेल्थ है या फिर सेविंग्स है, तो मैं यहाँ पे सेविंग्स रहने देता हूँ। अभी यहाँ पे आपका ग्रोस एनुअल इनकम क्या है तो वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। देन यहाँ पे कंपनी नेम इंटर कर देना है, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसे इंटर कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे मदर नेम, तो यहाँ पे आपको अपने मदर का नेम इंटर कर देना है फुल नेम। देन नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे सेलेक्ट प्रोडक्ट टाइप, तो अभी मेन काम जो है कि आपको यहाँ पे ही करना है। तो यहाँ पे आपको दो टाइप का अकाउंट दिख जाएंगे, यहाँ पे पॉपुलर और यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस देख सकते हो। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है और क्या फीचर है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे बेस्ट लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। सो मैं अपने अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी, तो यदि आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे यस वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है कि यहाँ पे नॉमिनी का नाम रिलेशनशिप में क्या लगते हैं यहाँ पे, तो ब्रदर ब्रदर हो या फिर डॉक्टर हो, फादर हो, हस्बैंड हो, मदर हो, जो भी हो, सिस्टर हो या फिर कोई अदर हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसी के नीचे यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएंगे, तो यदि आपका और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क रहने देनी है, यदि सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएंगे अदर एड्रेस, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है कि अदर एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद यहाँ पे आप जो है कि नॉमिनी को ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे नॉमिनी को बाद में ऐड करूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे नो आई डू नॉट विश टू नॉमिनी, तो मैं यहाँ पे नॉमिनी को नहीं ऐड करना चाहता हूँ। देन अभी नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे व्यू एक्सचेल ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है यहाँ पे, उसके बाद सारा डिटेल को फिल करके प्रोसीड टू ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं सारा डिटेल को यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ। सो तो मैंने यहाँ पे जो है कि सारा डिटेल को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड टू ओपन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको दूसरे पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश वगैरह नहीं करना है। देन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे आपको जो है कि इसके लिए फंडिंग करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे एड मनी टू ओपन सेविंग अकाउंट, तो यहाँ से आप फंडिंग कर भी सकते हो या फिर आप इसे स्किप कर सकते हो। तो फंडिंग यहाँ पे आप 25,000, 50,000 या 95,000 तक का जो है कि फंडिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के थ्रू, यहाँ पे नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, बट मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे हटाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएंगे आर यू श्योर द विदाउट एडिंग फंड, तो मैं यहाँ पे यस एग्जिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पे मुझे कस्टमर आईडी मिल चुका है, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो, और यहाँ पे मुझे अकाउंट नंबर भी मिल चुका है। तो इस तरह से आप इसका अकाउंट को ओपन कर सकते हो विदाउट फंडिंग। और यहाँ पे आप जो है कि नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप जो है कि इस यहाँ पे क्लिक करके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करके आप वीडियो केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो।
और यहाँ से आप वीडियो केवाईसी को पॉज भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे केवाईसी वगैरह कंप्लीट करके आप इस अकाउंट को यूज कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो है कि अकाउंट ओपन करके दिखा दिया है बिना वीडियो केवाईसी और बिना फंडिंग के, सो इस तरह से आप इसका अकाउंट को ओपन कर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।